सो हे गाइस, यार क्या हाल चाल है तुम सब के। होप करता हूँ यार तुम सब काफी ज्यादा सही होगे। तो आज यार गाइस, मैं कोई शॉर्ट वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ। तो आज यार मैंने सोचा क्यों ना यार अपनी एक फुली फेस कैम वीडियो बनाई जाए। इसके अंदर गाइस तुम्हें ज्यादा मजा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है। तुम्हें इससे कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना कि तुम्हें मेरी ये जो फेस कैम वीडियो है कैसी लगी। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ। तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? अरे यार गाइज, मेरा छोटा भाई आ गया, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो एक सेकंड दोस्तों, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। यार मेरा छोटा भाई भी यार एक नंबर का रोतलू है। तो मुझे ये डीजे पिकअप दिया, बोला कि यार इसको रिमोट कंट्रोल बना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फीचर नहीं है, धक्का मार के चलता है। तो आज उसने बोला कि इसको रिमोट कंट्रोल बना दो। तो चलिए गाइज, उसको भी क्या ही मना करूंगा मैं। तो तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए गाइज, लेट्स गो एंड मेक। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बनाते हैं इस ट्रक को रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे यार ये जो ट्रक है पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो आज काटने में यार काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो यार इसे खोलने से पहले मैं चश्मा लगा लेता हूँ, यार मेरे को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है। तो जल्दी से अभी इसे ओपन करते हैं। तो यार टायर की क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है, आगे अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में ये काम भी आ सकते हैं, तो इन्हें साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर ये टायर भी अपना खुल चुका है। टायर सच में यार काफ़ी अच्छे हैं, तो टायर्स अपने साइड में आ चुके हैं। तो ये देख सकते हो नीचे से अपना ट्रक यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अभी अपने को सिंपल कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे अपने को ये वाली चैसी जो है इसकी, इसे खोल लेना है। तो सभी काम जो इस पे ही होगा, बाकी लाइटिंग वगैरह तो अपन इसमें आराम से कर लेंगे। तो अभी मेन टास्क है इसे ओपन करना, तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने को स्क्रू ड्राइवर फंसा लेना और सिंपल से ऐसे खींचना है, क्योंकि साइड में इन्होंने कीले लगाई हुई हैं। तो ध्यान से करना गाइस इस काम को, आप कीले चुभ भी सकती हैं। तो फाइनली यार काफ़ी मशक्कत के बाद इसका जो नीचे की चैसी वो फुली ओपन हो चुकी है। तो एक बार अंदर का मैं आपको लुक बता देता हूं। तो देख सकते हो अंदर से अपना डीजे पिकअप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पीछे की तरफ एक स्पीकर है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, ये तो स्पीकर काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है। तो अब इसे साइड में रखते हैं। तो अब सभी काम गाइस इस चैसी के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले तो यार इसे अपन भी ओपन कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिंपल से अब इसे ओपन करते हैं। फ्रंट चैसी अपनी बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, तो देख सकते हो। तो अभी इसके ऊपर गाइस लगाने वाले अपन अपने कंपोनेंट्स। तो ये रहे गाइस अपने सभी कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर अपने सभी जुगाड़ है, जिसकी वजह से अपना ये जो ट्रक है रिमोट कंट्रोल बनेगा। तो अभी इसे जल्दी से ओपन करते हैं, इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ मैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे लंबी बनेगी। तो यहाँ पे फुल ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर, इस ट्रक के अंदर लगने वाला सभी सामान है। तो ये रहा गाइस इसका सभी सामान, जो मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अपना सभी सामान बॉक्स के बाहर आ चुका है। ये चार टायर्स हैं, तो इन्हें साइड में रख लेते हैं, अभी तो इनका कोई काम है नहीं वैसे, तो इन्हें साइड में मैंने रख लिया है। तो ये रहे अपने सभी कंपोनेंट्स। तो ये अपना फ्रंट एक्सल बनेगा इससे, लेफ्ट राइट वाला, और ये बैक। तो ये गाइस मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। तो अब जल्दी से इन्हें असेंबल करते हैं। फ्रेंड्स अपने सभी कंपोनेंट्स जो मैं इस पिकअप के अंदर लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे अपने को चार कंपोनेंट्स लेने हैं, और एक यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर का भी मैं यूज़ करूँगा, जो आपको आगे वीडियो के अंदर बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले ये रही बैटरी, ऑरेंज बैटरी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 850 mAh की, जो 7.4 वोल्ट की है, काफ़ी ज़्यादा सही बैटरी होती है गाइस। लिंक सभी कंपोनेंट का आपको यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से जाके वहां से आप बाय कर सकते हो। इसे साइड में रखते हैं। तो एक सर्वो मोटर का भी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, जहां पे इसको लेफ्ट राइट मूव करने में हेल्प करेगा, MG995, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक ESC जो यहाँ पे 30 ESC है, साथ में इसका ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी ऐसी है गाइस, इसे साइड में रखते हैं। और ये रही गाइस 180 DC मोटर, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो अब इसे साइड में रख लेते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट का गाइस मैं इस ट्रक के अंदर यूज़ करूँगा। जल्दी से इसके रियर एक्सल के अंदर मैं गियर्स वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गियर्स काफ़ी इजीली लग जाते हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं गाइस। सिंपल सब मैं इसके अंदर मोटर भी लगा लेता हूँ, मोटर भी काफ़ी आसानी से यहाँ पे लग जाएगी। नीचे की तरफ आपको सिंपली डबल साइड टेप लगा लेनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी मोटर जो उसी हिसाब से स्टेबल हो जाएगी। तो अब जल्दी से इसके ऊपर इसका कवर लगा लेते हैं। तो अपना गियर बॉक्स यहाँ पे फुल रेडी हो चुका है, फ्रंट एक्सल भी बना लेता हूँ। तो जल्दी से इसके यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने सभी कंपोनेंट्स जो लग चुके हैं, तो अब जल्दी से इसका कवर में यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास फ्रंट एक्सल के जो गियर्स वो नहीं, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे सिंपल सा मैं अपना सर्वो लगा दूंगा कुछ इस तरीके से।
तो काफी ज्यादा सिंपल सा यहाँ पे कनेक्शन अपना होगा। सो सिंपल गाइज, यहाँ पे मैं अपनी ग्लू गन लगा लूंगा। तो गाइज ग्लू गन लगाते वक्त जरा भी कंजूसी मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी सर्वो मोटर वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अपना सर्वो यहाँ पे लग चुका है, तो अब जल्दी से टायर्स भी मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना पहला टायर लग चुका है, अब जल्दी से दूसरा भी लगा लेते हैं। सो फाइनली यहाँ पे अपना फ्रंट एक्सेल रेडी हो चुका है। तो फटाफट से सेकंड एक्सेल के अंदर जो अपना दूसरा एक्सेल है उसके अंदर मैंने टायर्स यहाँ पे लगा लिए हैं। तो दोनों एक्सेल गाइज अपने रेडी हो चुके हैं। तो ये रहा पहला अपना बैक एक्सेल और ये रहा अपना फ्रंट एक्सेल। तो दोनों ही कंप्लीट हो चुके। तो अभी अपना यहाँ पे चेसी के ऊपर फ्रंट एक्सेल लगेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस को कट कर लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सर्वो के हिसाब से एरिया जो है नाप लूंगा। तो अपना नाप यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, तो जल्दी से अभी से कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी चेसी को यहाँ पे कट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे अब अपना फ्रंट एक्सेल जो लगेगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपना फ्रंट एक्सेल कुछ इस तरीके से लगेगा और ये रहा अपना बैक एक्सल जो यहाँ पे पावर जो इसको देगा अपने ट्रक को। तो ये यहाँ पे सिंपल इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। तो सिंपल से गाइज अभी अपने को ये जो चिपका लेना है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, वैसे सिंपल सी बात है। सो फ्रेंड्स, इस पिकअप को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्लाई स्काई की तरफ से आने वाला FSGT2 ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर जो है काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में आ जाता है और इसकी जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब जल्दी से मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। अगर गाइस तुम इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो अपना ट्रांसमीटर यहाँ से बाहर आ चुका है। क्वालिटी सच में गाइस इस ट्रांसमीटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये रहा इसका रिसीवर जो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और एक यूज़र गाइड इसके साथ अपने को मिल जाती है। ये एक छोटी सी अनबॉक्सिंग की होगी गाइस। तो चलिए इसकी डिटेल वीडियो भी अपन बहुत ही जल्द इस चैनल के ऊपर डालेंगे, वो भी फेस कैम वाली। तो अपनी चेसी यहाँ पे फुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जल्दी से अपने पिकअप के ऊपर यहाँ पे मैं लाइटिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ जो अपनी जो स्ट्रिप लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पे अपने स्पीकर से चलेगी, क्योंकि इसके साथ अपने को एक USB पोर्ट भी मिलता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लाइटिंग लगा लेता हूँ। तो लाइटिंग यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्दी से मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है। तो उस समय यहाँ पे अपना पिकअप दिखाई दे रहा है। तो अब जल्दी से इस पिकअप की बॉडी को इसकी चैसी के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये रही अपनी चैसी जो यहाँ पे फुल कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगा लेता हूँ। तो जल्दी से अभी इन्हें लगाते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ESC के साथ इसकी मोटर कनेक्ट कर दूंगा और ये रहा अपना रिसीवर। तो रिसीवर को मैं फटाफट से यहाँ पे लगा लेता हूँ। डबल साइड टेप के साथ मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो अपना रिसीवर यहाँ पे लग चुका है। तो अब जल्दी से इनके कनेक्शन में कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चैनल 1 के अंदर इसका सर्वो लगा रहा हूँ और चैनल 2 के अंदर अपनी ESC, और फटाफट से अभी बैटरी का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो अपना पिकअप यहाँ पे फुल रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। तो मैं इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसके अंदर थोड़े से गाने वगैरह सुनूंगा। गाने वगैरह तो अपना ट्रक काफ़ी अच्छे से बजा ले रहा है। तो अभी इसे जल्दी से मैं ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ टेस्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसे जो है यहाँ पे टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर है, लेकिन अपना जो DJ पिकअप है एकदम मक्खन की तरह यहाँ से निकल जा रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर 180 DC मोटर का यूज़ किया जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो ट्रक है इस सच में इस टेरेन के अंदर तो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, इसे यहाँ पे जरा भी दिक्कत नहीं हो रही।